नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर वरुण। मेरे नए वीडियो में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने उन दर्शकों के लिए बनाया है, यानी कि उन महिलाओं और लड़कियों के लिए बनाया है जिनको महीना जब आता है, यानी पीरियड्स जब आते हैं, मेंसेस जब आते हैं, तो उनको बहुत ही भयंकर पेट में दर्द होता है। ये वीडियो अपन तक देखिए और मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां जिनके सेवन के बाद महीने के टाइम पर होने वाले पेट में दर्द से आप जड़ से निजात पा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर महिलाओं को, लड़कियों को पीरियड्स के टाइम पे दर्द होता ही क्यों? दोस्तों, हर महिला को जैसे ही उसका महीना स्टार्ट होता है, यानी कि जैसी उसकी उम्र 11-12, जो हिंदुस्तानी लड़कियां हैं उनमें 11-12-13-14 साल तक की उम्र आते आते महीना स्टार्ट हो जाता है और उनके लिए महीना आना थोड़ा नई बात होती है। जब महीना आता है तो बॉडी में कुछ ऐसे हॉर्मोन्स निकलते हैं जो कि बच्चेदानी के अंदर की एंडोमेट्रियम की एक इंटरनल लाइन होती है उसको मोटा कर देते हैं, एंड जब महीना आ जाता है तो वो जो लेयर है एंडोमेट्रियम की वो शेड हो जाती है, यानी कि वो लेयर झड़ जाती है, जिसको हम वजाइनल ब्लीडिंग के रूप में देखते हैं, जिसे हम कहते हैं कि पीरियड्स आ गए। ये हर 28 से 30 दिन के बीच में अक्सर नॉर्मली महिलाओं में आता है, बट कुछ महिलाओं में जब भी पीरियड्स आता है, या तो पीरियड्स आने से पहले, या पीरियड्स आने के बाद, या पीरियड्स आते वक्त भयंकर पेन पेट में होता है। इतना पेन होता है, अगर वो बच्ची है तो वो बेचारी स्कूल नहीं जा पाएगी, अपना कोई काम नहीं कर पाएगी, 1-2 दिन का तो उसको बेड रेस्ट चाहिए ही चाहिए। और अगर कुछ महिलाएं जिनकी उम्र थोड़ी व्यसक है, यानी कि थोड़ा सा बड़ी हो चुकी है, 25 साल 30 साल, उनको भी ये समस्या बहुत होती है कि वो वर्किंग है तो काम नहीं कर पाएंगी, हाउस वाइफ है तो घर का काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि पेट का दर्द जबरदस्त होता है। भगवान ने महिलाओं को ही इतना पेन बर्दाश्त करने की क्षमता दी है, हम आदमियों में तो नहीं है इतनी क्षमता जितना एक महिला दर्द बर्दाश्त कर पाती है उस टाइम पर। तो ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा है दोस्तों। मेडिकल भाषा में जब पीरियड्स के टाइम पे जब दर्द होता है, इसको हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया, अब डिसमेनोरिया को हम, जब मेरे पास कोई पेशेंट आती है, कोई फीमेल जो बोलती है कि मेंसेस के टाइम पे बहुत पेन होता है, पीरियड्स के टाइम पे बहुत दर्द होता है, तो उस केस में हम लोग डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कारण क्या है, ये पेन हो क्यों रहा है पीरियड्स के टाइम पर। तो कुछ केसेस में हम बोलते हैं कि प्राइमरी डिसमेनोरिया है, कुछ केसेस में हम बोलते हैं कि सेकेंडरी डिसमेनोरिया है। प्राइमरी डिसमेनोरिया में पेन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन सारी जांचें नेगेटिव आती हैं। अगर अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो अल्ट्रासाउंड में भी कुछ नहीं आएगा, ब्लड टेस्ट में भी कुछ नहीं आएगा, हार्मोनल लेवल्स भी ठीक रहेंगे। इसे हम बोलते हैं प्राइमरी डिसमेनोरिया, जिसमें हमें कोई कारण नहीं पता लग पाता कि आखिर ये हो क्यों रहा है। उसमें उनकी बच्चेदानी में ज्यादा ही क्रैम्प आते हैं। जो प्राइमरी डिसमेनोरिया है उसको ठीक करना सबसे आसान है। होम्योपैथिक मेडिसिन, बहुत महिलाएं पेन किलर भी लेती हैं, तो इनसे प्राइमरी डिसमेनोरिया बहुत इजीली ठीक हो जाता है। इसके अलावा अब बात करते हैं सेकेंडरी डिसमेनोरिया की, यानी कि सेकेंडरी इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों कि इस पेन के पीछे, जो पीरियड्स के टाइम पे पेन है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। हो सकता है 90% केसेस में कारण निकलता है एंडोमेट्रियोसिस, एक बीमारी होती है दोस्तों। बच्चेदानी के अंदर एक लाइन होती है, जो जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था, एंडोमेट्रियम, ये बच्चेदानी के अंदर की लाइन होती है। एक युवती का, एक लड़की का शरीर जो है वो हर महीने जो है गर्भवती होने के लिए तैयार होता है, लेकिन हर बार तो आप गर्भवती नहीं होंगे ना, तो जब वो एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है, झड़ जाती है, उसे स्पर्म नहीं मिलता, वो शेड हो जाती है, तो पीरियड्स हर महीने आ जाते हैं। तो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो जैसे जैसे हार्मोन थिकनेस, हार्मोन के चलते उसकी थिकनेस बढ़ती जाती है, एंडोमेट्रियोसिस में ये जो एंडोमेट्रियम है ये बच्चेदानी के बाहर भी बनना शुरू हो जाती है, बच्चेदानी के बाहर की ऊपर की तरफ जो ओवरीज हैं उन पर। इसके अलावा आंतों के ऊपर भी कुछ केसेस में देखा जाता है,
जो क्योंकि बच्चेदानी के ठीक पीछे आते होती है, आंतों पेट तक भी कई बार एंडोमेट्रियम के टिश्यूज वहां पर होते हैं। तो जब जब महीना आएगा या जब जब हार्मोन बॉडी में होंगे तो एंडोमेट्रियम जो है वो बच्चेदानी के अंदर होनी चाहिए थी, बट उसके टिश्यूज जो है वो बाहर भी, आपको बच्चेदानी के बाहर भी होते हैं। तो जब पीरियड्स आएगा तो एंडोमेट्रियम तो शेड होगी होगी, लेकिन जो बच्चेदानी के बाहर जो एंडोमेट्रियम है वो भी शेड हो जाएगी। लेकिन उसको निकलने के लिए तो कोई जगह है नहीं, क्योंकि एंडोमेट्रियम झड़ेगी तो वो तो वजाइना से निकल जाएगी। लेकिन जो बाहर का टिश्यू है, यानी कि जो बच्चेदानी के ऊपरी परत पे है, बाहर की परत पे है, वो शेड होएगा, तो उसका ब्लड कहाँ जाएगा? ओवरीज पर है, उसका ब्लड कहाँ जाएगा? तो वो पेल्विक बेस में ब्लड इकट्ठा होता है, इसके चलते उनकी पूरे बच्चेदानी में सूजन रहने लग जाती है, जो आंत है उसमें सूजन रहने लग जाती है, यहां तक कि पेशाब की थैली तक में भी वो सूजन पहुंचती है। ऐसे लोगों को जिनको एंडोमेट्रियोसिस होता है, उनको पीरियड्स आए ना आए उनको पेन रहता है, और पीरियड्स के टाइम पे तो भयंकर पेन होता है। मेंसेस की क्वांटिटी और क्वालिटी तो ठीक ही रहती है, लेकिन पेन उनको पूरे टाइम रहता है। वो पेशाब करने जाएंगी तो उनको पेन होएगा, मेंसेस के टाइम पे पेशाब करने जाएंगी पेन होएगा, मेंसेस के टाइम पे वो मोशन पास करने जाएंगी, स्टूल पास करने जाएंगी तो उनको पेन होएगा। तो ये पेन की वजह से बहुत ज्यादा उनको लाइफ उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, और एंडोमेट्रियोसिस 90% केसेस में देखा जाता है दोस्तों। बहुत ही मतलब फाइब्रॉइड के चलते और एडिनोमायोसिस के चलते, पीसीओडी के चलते भी पेन होता है, बट इतना पेन नहीं होता जितना कि मेंसेस के टाइम पर, बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस, ड्यूरिंग मेंसेस, और एंडोमेट्रियोसिस जिनको होता है उनको कभी भी पेन हो जाएगा, कभी भी पेन हो जाएगा। पीरियड्स के बीच में कभी भी पीरियड्स आ जाएंगे, कभी भी पेन हो जाएगा। तो ये एंडोमेट्रियोसिस में बहुत कॉमनली देखा जाता है। अक्सर हमारे पास पेशेंट आता है तो हम फर्स्ट टाइम कभी भी एंडोमेट्रियोसिस नहीं सोच, हम सोचते हैं फाइब्रॉइड है, रसोली हो गई है बच्चेदानी में, इसलिए ऐसा हो रहा है। बट फर्दर डायग्नोस करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, सब करते हैं, तब पता लगता है एंडोमेट्रियोसिस निकला। तो एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड, रसोली, ये दो ऐसी बीमारी है कि भयंकर पेन कॉज कर सकती है, और दोनों का ही ट्रीटमेंट होम्योपैथी से पॉसिबल है। तो यानी कि सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, यानी कि एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, फाइब्रॉइड है, पीसीओडी है, कोई सिस्ट है, चॉकलेट सिस्ट है, ओवेरियन सिस्ट है, पेनफुल पीरियड्स होते हैं, एंडोमेट्रियोसिस लाइलाज बीमारी है, बट होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट है। तो अब मैं आपको बताऊंगा पांच ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां जिनके सेवन के बाद बहुत अच्छा, अगर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया ठीक हो जाएगा, प्राइमरी तो ठीक हो ही जाता है, वो तो आसान है ठीक करना, बट सेकेंडरी में एंडोमेट्रियोसिस है तो वो भी ठीक हो जाएगा, और अगर फाइब्रॉइड से रिलेटेड तो मैंने वीडियो बनाई रखा है, बाकी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। तो दवा नंबर एक, पहली जो दवा है उसका नाम है मैकफॉस। नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी और इफेक्टिव मेडिसिन है मैकफॉस। जनरली जो मैकफॉस मेडिसिन है वो हम उन महिलाओं में देते हैं जिनको जबरदस्त क्रैम्पिंग, शूटिंग और कटिंग पेन होता है पेट के निचले भाग में, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। और पेट की सिकाई करने से जिन महिलाओं को आराम मिलता है, इसके अलावा पेट को थोड़ा दबाने से, पेट के बल लेटने से अगर आराम मिलता है, और उनके पेट में पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा गैस बनती है, कटिंग शूटिंग पेन, बहुत ज्यादा कटिंग शूटिंग पेन होता है पेट के निचले भाग में अगर पेन हो रहा है, तो हम देते हैं मैकफॉस। बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों मैकफॉस, हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है मैकफॉस की। आप 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी खरीद लीजिए, इसकी चार चार बूंदे आधे कप पानी में डाल के सुबह शाम पीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और कम से कम महीना आने से 3 दिन पहले ये दवा शुरू कर दीजिए, आपके पीरियड स्मूथली निकल जाएंगे, कोई पेन नहीं होगा, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, बहुत अच्छे इससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो इसका नाम है मैकफॉस। चलिए दवा नंबर दो की तरफ हम चलते हैं। दवा नंबर दो है जिसका नाम है बेलेडोना। नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए, बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है बेलेडोना। अब बेलेडोना हम किन महिलाओं को हम देते हैं? बेलेडोना एक उन लोगों को देते हैं जिनमें लोअर बैक में जो पेन है वो कूल्हे की तरफ जाता है। मान लीजिए पेन आपका लोअर बैक में स्टार्ट हुआ पीरियड्स के टाइम पे, और वो कूल्हे की तरफ गया, लोअर बैक में पेन हुआ कूल्हे की तरफ गया। अक्सर एंडोमेट्रियोसिस, जैसा मैंने बताया था ना,
तो एंडोमेट्रियोसिस में यही पेन होता है क्योंकि वो आंतों तक में सूजन पहुंच जाती है, तो इसलिए पीछे लोअर बैक में पेन होएगा और आपको कूल्हे की तरफ जाएगा, तो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से डिस्मेनोरिया हो रहा है। तो बेलेड होना बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए। और इसके अंदर मरीज में इतने तेज पेन होते हैं कि टच से भी उसको प्रॉब्लम होती है कि कोई उस एरिया को टच करती है तो पेन होता है, और ब्लीडिंग जो है वो ब्राइट रेड और एकदम गरम गरम ब्लड निकलता है वजाइना से, जब पीरियड्स के टाइम पे ब्राइट रेड ब्लड निकलता है, ज्यादा मात्रा में निकलता है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा सिकाई करेंगे, थोड़ा सा पेट को थोड़ा पकड़ के बैठेंगे तो रिलीफ मिलेगा। तो पीरियड्स के टाइम पे अगर ज्यादा ब्लीडिंग होती है, ज्यादा ब्राइट कलर का ब्लड आ रहा है, ज्यादा ब्राइट कलर का ब्लड आ रहा है, और इसके अलावा कमर कस से दर्द होता हुआ हिप्स में जा रहा है, टच करने पे हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर से थोड़ा सा दबाएंगे तो आराम मिलेगा, तो ले सकते हैं बेलेडोना। 30 पोटेंसी, दो दो बूंदे दिन में 3 बार, नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। दवा नंबर 3 है हमारी, जिसका नाम है कालीकाव। कालीकाव दोस्तों बहुत ही बेनिफिशियल रेमेडी है, जो मेंसेस के टाइम पे हम देते हैं जिनको बहुत तेज पेन होता है, जिसमें एक्सेसिव पेन है बहुत, अगर जिन भी महिलाओं को ज्यादा एक्सेसिव पेन होता है ड्यूरिंग पीरियड्स, यानी कि उनके पेट में, कमर में और हिप्स में, तीनों जगहों पे अगर पेन है, पेट में, कमर में, हिप्स पे, तो हम देंगे कालिका। बहुत अच्छी क्रैम्पी पेन होता है, कोली की पेन होता है, और इसमें जो दर्द होता है वो पेट से भी थाई की तरफ जाएगा, कमर और हिप से होता हुआ भी थाई की तरफ जाएगा, पूरा थाइज वगैरह सब पेन इतना तेज होता है कि थाइज में पेन रेडिएट करता है, पेट में होगा तो भी थाइज में, कमर और कमर में और हिप्स में होगा तो भी थाइज में रेडिएट करेगा। तो आप दे सकते हैं कालिकाब की 30 पोटेंसी, दो दो बूंदे दिन में 3 बार, कम से कम 15 से 20 दिनों के लिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। काली काप में जो मेंसेस की क्वांटिटी होती है वो थोड़ी कम ही होती है, कोई बहुत ज्यादा पीरियड्स नहीं आते हैं कि 8 8 9 9 दिन चल रहे हैं, दिन भर आपको 4 4 पैड बदलने पड़ रहे हैं, कम पीरियड्स आएंगे 2 3 दिन के लिए या 1 2 दिन के लिए आएंगे, और पेन बहुत होगा, थाइज में पेन जाएगा, तो आप देना काली काप 30 पोटेंसी, दो दो बूंदे दिन में 3 बार, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए। दवा नंबर 4 है दोस्तों, जिसका नाम है लेकिसिस। लेकिसिस जो दवा है दोस्तों, ये बहुत इफेक्टिव दवा है, ये तब हम देते हैं जब पेन जो है वो पीरियड्स के टाइम पे हो, सिवियर पेन, जबरदस्त पेन, लेकिन पीरियड्स के टाइम पे, पीरियड्स के, और उन महिलाओं में देते हैं जिन महिलाओं के पीरियड्स 6 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन लगातार आते रहते हैं, डार्क क्लॉटेड रेड ब्लड आ रहा है, बहुत पेन हो रहा है, सिवियर पेन है, सिवियर, सिवियर का मतलब बहुत तेज, अगर पेन है तो आप दे सकते हैं लेकेसिस 30 पोटेंसी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसमें भी जो है लोअर बैक में और एब्डोमेन में पेन होएगा, बहुत इंटेंसिटी, मतलब पेशेंट रो पड़ेगा, इतना तेज पेन होता है, अगर बहुत ज्यादा तेज पेन है, मेंसेस जो है वो इररेगुलर है, कभी पीरियड्स के बीच में, पीरियड्स की 2 डेट है उनके बीच में भी 15 दिन में पीरियड आ जाएंगे, फिर उसके बाद फिर 10 दिन में आ जाएंगे, तो ये लक्षण है, ये भी एंडोमेट्रियोसिस का लक्षण है, फाइब्रॉइड में भी ऐसा होता है। तो अगर बहुत ज्यादा पेन है, लंबे टाइम तक पीरियड्स चलते हैं, सिवियर पेन है, आंखों इतना पेन होता है, पेट पकड़ के आंसू, आप जाओगे आपकी बिटिया को देखोगे, बिटिया जो है वो बेचारी रो रही होगी, समझ जाओ कि सिवियर पेन है, सिवियर पेन, तो लेकेसिस दो आप, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो सिवियर पेन बर्दाश्त के बाहर आंसू निकल जाए ऐसा पेन, पेट में दर्द ये वो, और कुछ महिलाओं को ड्यूरिंग मेंसेस अगर डायरिया हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, लूज मोशन हुआ, तो भी हम ये देते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों, हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें अक्सर मरीजों को घबराहट भी होती है, एकदम ऐसे हॉट फ्लशेस होंगे, घबराहट होगी, एकदम पसीने पसीने, गर्मी लगेगी, तो ऐसे में उनको दर्द ज्यादा है पीरियड्स के टाइम पे, गर्मी बहुत लगती है, घबराहट होती है, तो आप दें लेकेसिस 30 पोटेंसी, दो दो बूंदे दिन में 3 बार, आधे कप पानी में डाल के पीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दवा नंबर 5 है दोस्तों, जो हमारी बहुत अच्छी होम्योपैथी की मेडिसिन है, जिसका नाम है पल्सेटिला। नाम नोट कर लीजिए, स्पेलिंग नोट कर लीजिए, हाईली इफेक्टिव मेडिसिन है पल्सेटिला दोस्तों, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला
पल्सेटिला हम उन लोगों में देते हैं जिनमें पेन तो होता ही होता है, जबरदस्त पेन के साथ साथ उनको फीवर जैसा भी फील होता है, इसके अलावा प्यास उन्हें बिल्कुल नहीं लगती है, ब्लीडिंग जो है वो थोड़ी कम ही होती है, या तो उन महिलाओं में जिनमें ब्लीडिंग बहुत कम है, स्केंटी मेंसेस है, बहुत कम इरेगुलर है, प्यास कम लगती है, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं, जब भी उनको मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, पेन तो होता ही होता है, मूड स्विंग्स ज्यादा होते हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, पेन बहुत ज्यादा होता है, तो आप लें पल्सेटिला, बहुत अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। इसमें नौशिया और वॉमिटिंग भी पेशेंट को लग सकता है, लूज स्टूल्स हो सकते हैं, और इसके अलावा पेशेंट को बिल्कुल प्यास नहीं लगती, जब भी उसके पीरियड्स आते हैं बिल्कुल प्यास नहीं लगेगी, मूड स्विंग ज्यादा होंगे, लूज मोशन हो सकते हैं, उल्टी जैसा मन करता है, चेहरे पे बहुत सारे दाने हो जाते हैं और पेट में बहुत दर्द होता है। अक्सर महिलाओं को हम ये प्यूबर्टी के टाइम पे देते हैं, जब जिन बच्चियों के पीरियड स्टार्ट होने वाले होते हैं 10, 11, 12, उनको नहीं पता होता, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी सब ज्यादा, पेट में दर्द, मेंसेस जो है वो ठीक से नहीं आ रहे हैं, तो पल्सेटिला हर चीज को करेक्ट कर देगी, प्राइमरी डिसमेनोरिया हो, सेकेंडरी डिस, सब चीज को करेक्ट करके नॉर्मल मेंसेस को फैसिलिटेट करेगी। तो नाम नोट कर लीजिए, पल्सेटिला 30 पोटेंसी, 2-2 बूंदे, दिन में 3 बार, 20-25 दिनों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो दोस्तों ये मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है उन बच्चियों के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों को डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंसेस की या महीने के टाइम पर दर्द होना पेट में की समस्या से ग्रस्त है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी दर्शकों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, जरूरतमंदों में, नीडी लोगों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए कि वो होम्योपैथी से अपनी इस बीमारी का इलाज करा सके। अगर आप मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नीचे नंबर लिखा आ रहा है इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम ऑल ओवर वर्ल्ड ऑनलाइन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, दवाइयां आपके घर पर ही पहुंच जाएंगी, हर चीज, हर देश में, हर सिटी में, हर स्टेट में हम ट्रीटमेंट पहुंचाते हैं दोस्तों, बिल्कुल चिंता ना करें, ट्रीटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, अपना ख्याल रखें, वंदे मातरम, जय हिंद।